तेरी जात पाक है खुदा, तेरी जात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालो है। नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, नहीं तुझसा कोई भी दूसरा, तेरी शान जल्ला जलालो है। तेरी जात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालो। तू खुदा गरीब अमीर का, तू सहारा शाह फकीर का, तू खुदा गरीब अमीर का, तू सहारा शाह फकीर का, तू है सारी दुनिया का आसरा, तू है सारी दुनिया का आसरा, तेरी शान जल्ला जलालो हूँ, तेरी जात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालो हूँ। जिस चाहे तू वो जलील हो, जिसे चाहे तू वो जलील हो, जिसे चाहे तू वो जलील हो, जिसे चाहे तू वो जलील हो, करे कौन तुझसे मुकाबिला, करे कौन तुझसे मुकाबिला, तेरी शान जल्ला जलालो हूँ, तेरी जात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालो हूँ। कहे तुझसे वाहिद खुश बया, तू सबा की भरता है झोलिया, कहे तुझसे वाहिद खुश बया, तू सबा की भरता है झोलिया, है मुझे भी तेरा ही आसरा, है मुझे भी तेरा ही आसरा, तेरी शान जल्ला जलालो हूँ, तेरी जात पाक है खुदा, तेरी शान जल्ला जलालो हूँ। प्यारी बच्चियों, अब थोड़ी देर में बेजुबान नामी ड्रामा शुरू होगा। ये ड्रामा तुम्हारी उस्तानी, तुम्हारी परवीन आपा ने तहरीर किया है। मुश्तक मूछा रेडी, पर्दा उठाओ। रजिया, ये क्या पागलपन है तुम्हारा? समझ में नहीं आता अपा जान, क्या आप लोग मेरी जिंदगी के साथ मजाक क्यों कर रहे हैं? एक बार अख्तर की जिंदगी से मेरी जिंदगी का दामन बांधकर आज उस रिश्ते को तोड़ डालने पर क्यों तुले हैं? रजिया, तुम अपनी जिद से बाज नहीं आती? तुम ये क्यों भूल जाती हो कि अख्तर शराबी है, जुआरी है, आवारा है? और आप लोग ये भूल जाते हैं कि वो शराबी जुआरी अपने खानदान में से है, वो आवारा हमारा खून है। मगर खून जब गंदा हो जाता है तो नस काट कर उसको निकाल फेंकते हैं। प्यारी आपा, मरीज को जहर देकर मार डालने के बजाय दवा दारू से उसका इलाज करना चाहिए, बुरा समझकर उन्हें ठुकरा देने के बजाय क्यों ना उन्हें सुधारने की कोशिश की जाए। मगर जानती हो कि बिगड़े हुए मर्द को कौन सुधार सकता है? माँ का प्यार, बाप का गुस्सा और दोस्त की नसीहत। अख्तर के माँ बाप मुद्दत हुई इंतकाल कर गए, अब वो कौन सच्चा दोस्त होगा जो उसे सुधारने की कोशिश करेगा? शादी के बाद मर्द का सच्चा दोस्त उसकी औरत होती है। कुर्बानियों इसार की तस्वीर है औरत, उलझन के लिए नाखूने तस्वीर है औरत, तारीकी में एक शमा है, तनवीर है औरत, है मुझको यकीन मर्द की तकदीर है औरत, है कौन सा दुख जिसकी दवा कर नहीं सकती, हिम्मत से चले काम तू क्या कर नहीं सकती। प्यारी रजिया, तुम्हारे पाक ख्यालात ने मेरी रूह को जगा दिया।
तुम्हारे नेक इरादों को पूरा करने के लिए मैं कोई कसर उठा ना रखूंगी। तुम यहीं ठहरो, मैं जाकर अम्मी जान को समझाती हूँ। या अल्लाह, या पाक परवरदिगार, है तुझको वास्ता अपनी खुदाई अपनी वहदत का, है तुझको वास्ता अपनी खुदाई अपनी वहदत का, है तुझको वास्ता प्यारे रबी की पाक सीरत का। मैं प्यासी हूँ सरे साहिल समंदर है तू रहमत का, इन आँखों को दिखा दे तू करिश्मा अपनी कुदरत का। कहे क्या मुद्दा अपना जुबाने बेजुबा मेरी, कि हर आँखों के दामन पर लिखी है दास्ता मेरी। रजिया मुबारक हो, मैंने अम्मी जान को राजी कर लिया। उन्होंने दुआ दी है कि खुदा तुम्हारे नेक इरादों को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन। मैं तमाम स्कूल की तरफ से परवीन खानम को ये कामयाब ड्रामा लिखने पर मुबारकबाद पेश करती हूँ। ये कहते हुए रंज और अफसोस से मेरा दिल भर आता है कि तुम्हारी परवीन आपा आज तुमसे जुदा हो रही है। हमारे स्कूल की हर दिल अजीज उस्तानी दुल्हन बनकर अपनी नई दुनिया आबाद करने जा रही है। आओ भाई आओ मुनीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ भाई। हमें जब भी तुम्हारे यहाँ आओ तुम्हें ढूंढना ही पड़ता है। इतनी बड़ी हवेली में अकेले रहते हुए तुम्हें डर भी नहीं मालूम होता। बखुदा भाई मैं तो यहाँ एक दिन भी ना गुजार सकता। अब अन करीब इस हवेली की दुनिया बदलने वाली है मुनीर मियाँ। फिर तो यार रौनक की रौनक हो जाएगी। अब खानदान में मुनीर ही सबसे अच्छा लड़का है। मालदार तो नहीं मगर शरीफ और नेक जरूर है। लेकिन वकालत पास करने से पहले वो शादी नहीं करना चाहता। सोच रही हूँ कि क्या करूँ। खैर खुदा मुसब्बिबुल असबाब है। कल ही खाला ने मुझे बुलाकर बातचीत की। उन्हें तुमसे नफरत है, तुम्हारी आदतों से नफरत है। अब तुम परवीन को एक लहर समझो जो तुम्हारी जिंदगी के साहिल से टकराई और लौट गई। तो तुम मेरे दिल पर यही नश्तर लगाने आए थे। अरे भाई बात यह है कि शौकत मियां जिस लड़की से शादी करना चाहते हैं उसी जगह अफजल भी हाथ मारना चाहता है। अच्छा हा? कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो कि अफजल को पांव में चुभे हुए कांटे की तरह निकाल फेंका जाए? अस्सलाम वालेकुम अफजल मियां। वालेकुम अस्सलाम। कसम खुदा की मानता हूँ अगर किसी तरकीब से अफजल को परवीन की नजरों से गिरा दिया जाए तो मेरे लिए मैदान बिल्कुल साफ है। क्यों खैरू कहाँ है सब लोग? नीचे तहखाने में बैठे आपको इंतजार कर रहे हैं। अच्छा नीचे इंतजार कर रहे हैं। ये ठीक है। मानते हो ना सुलेमान? कैसी तरकीब बताई? तरकीब तो अच्छी है लेकिन एक बात है अफजल शराब तो पीते ही नहीं। अरे यार कसम खुदा की ये मुझ पर छोड़ दो। ऐसी जगह ले जाऊं कि बड़े बड़े परहेजगार बगैर पिए वापस नहीं आ सकते। अच्छा हाँ मानते हो ना सुलेमान? मानते हैं भैया। मुझे कह दो मैं खुद ही जान दे दूं तजा से मशवरे क्यों हो रहे हैं। आहा अफजल मियां। क्यों भाई ये छिप छिप कर कहीं डाका डालने की तदबीरें हो रही हैं? कसम खुदा की मानते हो ना सुलेमान कुछ ऐसी ही बात की। यार बहुत बड़ी उम्र है तुम्हारी, अभी तुम्हारा जिक्र खैर हो रहा है। अच्छा भाई आज तो खूब इंतजार कराया, हम तो नाउमीद हो गए थे। मैं और नाका? शौकत साहब नाकाम आशिक की कब्र माशूक की गली में और हारे हुए जुआरी की कब्र जुए खाने में बनती है। मारता हूँ सुलेमान। तो आओ शौकत मियां दो दो हाथ हो जाए, कल का निकला हुआ रुपया आज उगलवा के ही छोड़ूंगा। ये 100 रुपया और आया। शो करिए साहब। तीन यक्के हैं साहब। हद तेरे की, तीन बादशाह भी हार गए। अरे यार गोली मारो इस खेल को। कसम खुदा की क्या बात याद आई। वो क्या? अरे भाई वो लखनऊ वाली मुश्तरी थी ना। हाँ हाँ। आए हाय आंखों वाला तेरे जोबन का तमाशा देखिए।
कसम खुदा की कयामत का जोवन लेकर आई, क्या गाती है वो ताने मारती है क्या। बस यार बस, चलो अफजल मकान आ गया, चलो। अच्छा सलाम अलैकुम। भैया ये कौन सी जगह है? अरे भाई तुम्हारी खाला का मकान है। खाला का मकान? मगर यार ये आज यहाँ कैसे आ गया? अरे भाई ये तो जमाने से यहाँ है मगर तुझे पता नहीं। वक्त जाया न करो, बहुत देर हो चुकी है, जल्दी मकान में चले जाओ। अच्छी बात। मगर यार नब्बू, मुझे कहीं ज्यादा नशा नहीं है। कसम खुदा की तुझे कौन नशे में कहता है। अच्छा ये बता ये कितनी उंगलियां हैं? छह ना। तो तू नशे में नहीं है, जा जा जा। क्यों मानते हो ना? मानते हैं। चलो भाई पहलवान, चलो चलो। कौन? अफजल। अफजल परवीन आ गई। न सलाम न दुआ, बड़ों का अदब करना भी भूल गए। दरवाजा बंद करो, ठंडी हवा आ रही। खाला साहिबा, ला हौल वला कुव्वत। परवीन कहाँ है? तुम कौन होते हो परवीन के? मैं खाला साहिबा, आपको तो मालूम ही है कि थोड़े दिनों के बाद मेरी और परवीन। खामोश! तुम्हारे जैसे जलील आदमी की नापाक आंखें और ख्वाब देखे परवीन जैसी फरिश्ता सिरत लड़की के मैं फोड़ न डालू इन बेशरम आंखों को। खाला साहिबा, जुए में दौलत तबाह करने के अलावा अब खानदान की इज्जत को भी शराब के प्यालों में डुबोना शुरू कर दिया। दूर हो जाओ मेरे सामने। खाला साहिबा, मैं माफी चाहता हूँ। तुम्हारा गुनाह माफी की हद से बाहर जा चुका है, चले जाओ। और याद रखो तुम्हारा कभी इस घर में कदम न रखना। अच्छा हुआ तुमने आज अपनी आंख से सब कुछ देख लिया। मैं तुम्हें एक नसीहत करती हूँ, दुनिया को हमेशा बुजुर्गों की आंख से देखा करो। नहीं नहीं तहसीन, जब वो शराब पीकर मेरे सामने आने से ने शर्माया तो मेरी नसीहत पर अमल करने के लिए कब तैयार होगा? आप उनकी बुजुर्ग हैं और खानदान को बदनाम होने से आप ही बचा सकती हैं। मुझे यकीन है कि अफजल मियां को अगर शादी की जंजीरों में जकड़ दिया जाए तो इंशाअल्लाह वो खुद बखुद सुधर जाएंगे। और इस तरह परवीन बिटिया और अफजल मियां के मरहूम वालिदैन की आरजू भी पूरी हो जाएगी। खुदा मुबारक करे, आप हज करने तशरीफ ले जा रही हैं, अगर इस काम को सर अंजाम देने के बाद रवाना हो तो बेहतर है। अच्छा इजाजत चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवीन। जी खाला जान। इधर आओ। मैंने तुम्हारी दी हुई कहानी रात को बड़े गौर से पढ़ी और पढ़ने के बाद तुमसे ये पूछने की जरूरत नहीं रही कि शादी के बारे में तुम्हारी मर्जी क्या है। अगर मैं तुम्हारी राय से इत्तेफाक न करते हुए तुम्हारे इंतखाब को ठुकरा दूं तो जवाब दो। माफ कीजिएगा खाला जान, मुझे कल रात का वाकया आपके सामने बेशर्म बनने पर मजबूर कर रहा है। मैं सिर्फ इतना कह देना काफी समझती हूँ कि मुझे खानदान की इज्जत अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है। मेरी इल्तजा है कि आप मुझे खानदान की इज्जत पर कुर्बान कर दीजिए। मेरी जान, मैं तो सिर्फ तुम्हारा दिल देख रही थी। क्या नाम था तुम्हारी कहानी की उस लड़की का? रजिया। मेरी रजिया,
जाओ, उस भटके हुए मुसाफिर को मंजिल के सीधे रास्ते पर लाओ। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं। चुराने को दिन दाड़े चोर आया है, दिल चुरा
चार गली गली में कौन आया सहेली हाँ आया सहेली आज तेरी गली में कौन आया सहेली आज तेरी गली में क्या पाजी वकील साहब घर में ही है वकील साहब हाँ वो अपने मिर्जा चुंगा साहब अजी हाँ वो मिर्जा पुत्तन का इंतकाल हो गया है चा? उन्होंने कहा जो भी दोस्त आए उन्हें वहाँ भेज दिएगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम ये कमबख्त ऐसे डट गए हैं कि जाने का नाम ही नहीं लेते क्या किया जाए बेटा नब्बू चलो वकील साहब से दो दो चौचे हो जाए नाश्ता पहले कीजिएगा या खाना पहले खाइएगा मुए तू बावर्ची है या मोची ठहरो बेगम क्यों बे चोटी के पहले तू पैदा हुआ या तेरा बाप क्या मतलब अबे नाश्ता पहले या खाना पहले इसका क्या मतलब बोल सर मैं क्वालिफाइड बावर्ची हूँ हर काम उसूल और तरीके से करता हूँ नाश्ता होता है सुबह 8 बजे और खाना दोपहर के 12 बजे और इस वक्त बजे हैं ओहो 11 मुझे क्या मालूम कि आप इस वक्त नाश्ते के मूड में हैं या खाने के देखा बेगम ये तुम्हारी देखा देखी ये चोटी का मेरा भी मजाक उड़ाने लग पड़ा इस सर्कस के लंगूर से तो मेरा भी नाक में दम आ गया है हर काम में गलती करता है खीर में नमक और पुलाव में शक्कर डालता है और जो मैं जरा भी आके दिखाती हूँ तो जेल में से साहब लोग के सर्टिफिकेट निकाल के दिखाता है अच्छा क्यों मैं चोटी के ये क्या हरकत हाँ हाँ एक नहीं बेगम ये देखिए ये 12:30 देखा 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 क्या करूं बेगम बेकारी के दिनों का सहारा समझ के इसे माफ कर देता हूं वरना वरना तुम्हारी जान की कसम बेगम मैं अभी तक कुछ ना कुछ कर बैठता माफ कीजिएगा सर ओ अगर आप इसी तरह बातों में वक्त गुजारते रहे तो थोड़ी देर के बाद मुझे ये पूछना पड़ेगा कि पहले आप नाश्ता कीजिएगा खाना खाइएगा या शाम की चाय पीजिएगा बेगम नाउ यू कम बेगम कहिए जनाब आपकी तारीफ मानता हूँ सुलेमान अरे भाई मेरी तारीफ कैसी तारीफ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया वकील साहब हैं मगर आप हैं कौन ढूंढा झापड़ करता क्यों है मुकदमा लाया हूँ चलाइए मुझे दे दीजिए मुझे दे दीजिए अबे तू आदमी है क्या पैजामा वकील साहब को बुला मुकदमा लाया हूँ मुकदमा मुकदमा बेगम ये प्यारा नाम किसने लिया जल्दी जाइए भैया जल्दी जाइए बिस्मिल्लाह या खुदा तेरी बड़ी मेहरबानी है अरे भाई कौन खुश नसीब है जिसे खुदावन ताला ने मुकदमे बाजी की तौफीक अता फरमाई है वाह 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 वो यही है आपका गुलाम अजी नहीं साहब आप गुलाम क्यों होने लगे आप तो फरिश्ता हैं फरिश्ता माशाल्लाह अरे भाई तेरा क्या नाम है ओ खैराती इधर आइयो हुजूर देखो हमारी बेगम साहिबा से कहना कि अपने हाथ से निहायत शानदार चाय बनाकर भेजें अरे भाई जरा सुनना जरा बाजार से नाश्ते के लिए हलवा और कुलचे भी लेते आना बहुत और सुनो उनसे कहना कि चाय अपने हाथ से बनाए समझे हाँ साहब तो फरमाइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ तशरीफ ये वकील साहब ये तो बताइए कि आपकी फीस क्या है अजी साहब फीस तो तय होती ही रहेगी पहले आप ये तो फरमाइए कि आखिर मुकदमा क्या है चोरी डाका खून अगवा या गबन अजी हम जैसे बड़े आदमी ये छोटे छोटे मुकदमे नहीं लड़ा करते डाका खून चोरी ये भी कोई मुकदमा है अरे भाई ये तो मुकदमिया है मुकदमिया अच्छा जी वाह 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 माशाल्लाह 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 तब तो मालूम होता है कि आप बहुत बड़ा पंचाखा लेकर आए हैं फरमाइए फरमाइए वकील साहब जी इस मकान में धूप और हवा तो खूब आती होगी जी हाँ अरे मियाँ तुम ये नीचे बार बार क्या देख रहे हो हैं जी कुछ नहीं जरा बाजार की रौनक अच्छा 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 तो वकील साहब हाँ, फरमाइए फरमाइए
वकील साहब माफ कीजिएगा, कभी आपने लखनऊ की गोमती नदी में गुसल भी किया? लाहौल वाला कुत, अरे भाई लखनऊ की गोमती नदी में भी नहा चुका हूँ और लाहौर आकर दरियाए रावी में भी गोते लगा चुका हूँ। खूब मियां, मेरे ख्याल में मुकदमे के नोट्स पहले लिखवा दे तो बेहतर था, क्योंकि मुझे कुछ और भी काम है, माफ करना। मैं कोई लिए चाह आ गई है, कुछ खा पी लिया जाए। अबे चोटी के ये क्या, वो हलवा और कुलचा सब भूल गया है? हलवाई उधार देने से इनकार करता है, वो पिछले महीने के पैसे मांग रहा है। अरे मियां उसे कह दो कि हम अगले महीने दे देंगे। चलो, वो पिछले मांग रहा है, आप अगले की बात कर रहे हैं। अरे छोड़िए, आज नहीं तो कल, अब तो घर का मामला हो गया। जाओ मियां जाओ। वकील साहब, अगर मुकदमे की फीस पहले तय हो जाती तो बड़ा अच्छा था। अरे मियां, तुमसे खुदा ना खास्ता ज्यादा थोड़ा ही ले लूंगा। ये कौन? ये हमारी बेगम साहब, मैं अभी दो मिनट में आता हूँ। शाब्द शाब्द के। क्या बात है बेगम, क्या बात है? दिल खोल के फीस मांगना, बिस्मिल्लाह अच्छी होनी चाहिए। अमां खाल उतार लूंगा, खाल इस चोटी वाले की। आखिर तुम क्या समझती हो? लो बेगम मैं चला। बिस्मिल्लाह। अजी साहब, ये औरतें भी कितनी नरम दिल होती है माशाल्लाह। देखिए ना, हमारी बेगम साहिबा फरमाती हैं कि बेचारे से ज्यादा फीस लेकर गला ना काटना, क्योंकि कोई आदमी शरीफ सा मालूम होता है। ठीक फरमाती हैं, जरा मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करें। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा साहब, तो जरा चाय के साथ साथ मुकदमे के नोट्स भी हो जाए। अच्छा जी, तो लिखिए जी। अर्ज ये है वकील साहब क़िबला की, मेरी पहली बीवी मर चुकी है। योर फर्स्ट वाइफ। दुनिया की आबादी बढ़ाना मैं अपना ईमान समझकर दूसरी शादी करना चाहता हूँ। आया ख्याल शरीफ जी, इसमें कोई हर्ज की बात तो नहीं? अरे भाई, मुकदमे को शादी से क्या वास्ता? है, मैं पहले कह चुका हूँ कि ये ऐसा वैसा मुकदमा नहीं। खैराती, खैराती, अरे ओ खैराती के बच्चे कहाँ मर गया? यस सर, यस सर। मुझे याद भी रफंगा मालूम होता है, मुकदमा मुकदमा कुछ लेके नहीं आया, दुनिया को परेशान कर रहा है। जा जाओ मस्करे भान की प्यारी उठा ला। मिर्जा साहब की प्यारी? अरे कम्बा कहीं का, मेरे मियाँ को भान बना दिया। मगर कल तो आप उन्हें उल्लू के नाम से याद फरमा रही थी। अरे मुए में उनकी बीबी हूँ, उल्लू कहूँ, गधा कहूँ, भाड़े का टट्टू कहूँ, जो जी मैं आया कहूँ, मेरे बाप की कमाई में क्या फर्क पड़ता है। जा जल्दी उठा कर यार, जाओ। अभी आया जाने मन, इसलिए तुझको खफा करता हूँ कि मुझे तेरे मनाने में मजा आता है। देखिए हजरत, मैं आपसे आखिरी बार कहता हूँ कि आपने मुकदमा अगर लिखवाना है तो लिखवाइए, नहीं तो बराए खुदा मेरी जान छोड़िए ना। मानता हूँ सुलेमान। हैं, ये सुलेमान क्या? ये मेरा तखल्लुस है। अबे चोटी के, ये क्या हरकत? बेगम साहबा का हुक्म है। बेगम साहबा का हुक्म? बेगम साहबा का हुक्म है? क्या बात है बेगम, चाय क्यों मंगवा ली? मैं उस समय को चाय हरगिज़ नहीं पीने दूंगी, अचानक कौन लफंगा घर में घुस पड़ा है। मगर बेगम, वो प्यारी तो मेरी थी, वो चोटी का तो पी भी चुका। क्या लीजिए बेगम साहबा। क्या डाली चूल्हे में? चूल्हे में क्यों डालू, क्या मेरे पेट के माल गोदाम को अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है? बिस्मिल्लाह। अच्छा अच्छा, तो कहिए आगे कहिए। जब मेरे बाप ने शादी की थी उस वक्त मैं 1, 2, 3, 4 साल का था। अमा आपका कता कलाम होता है, ये तो बताइए कि शादी से पहले बच्चा कैसा? अजी ये खुदा की कुदरत है, आपको क्या इतराज? अजी हजरत, या तो आप ये कहिए कि आप अपने वालिद की पहली बीवी में से हैं, और फिर आप या ये कहिए कि आप अपनी वालदा के पहले खामिंद में से हैं। आखिर आप इन दोनों में से एक बात तो मानिए। अरे भाई, इसका आगे चलकर फैसला हो जाएगा। अच्छा हाँ, अर्ज ये है कि ये। मेरा बाप मेरी माँ के मरने के बाद 50 साल की उम्र में दूसरी शादी करना चाहता है। अच्छा, अब आप ही बताइए जायज है? मगर मुकदमे की बात को भला है, यही तो मुकदमे की जड़ है, जड़ है। मगर भाई साहब, आपके वालिद माजिद को दूसरी शादी करने से कौन रोक सकता है? आप दूर क्यों जाएं? आप मुझी को देखिए ना, आज तक खुदा के फजलो करम से 6 शादियां कर चुका हूँ। 6? 6 नहीं,
मिर्जा साहब साहब हाँ भाई खूब याद दिलाया, ये मेरा पुराना नौकर है और घर का तमाम हिसाब किताब इसी के हाथ में रहता है। अच्छा? हाँ जनाब, तो मेरी 7 बीवियों में से एक तो प्लेग से मर गई, दूसरी ने तलाक ले ली और तीसरी तपेदिक की ट्रेन में बैठकर खुदागंज को सिधार गई। खूब। और चौथी, चौथी को क्या हुआ था खराती? डबल निमोनिया। हाँ हाँ डबल निमोनिया, डबल निमोनिया। और जनाब पांचवी बेगम साहिबा ने तो फाकों से तंग आकर खुदकुशी कर ली। और छठी क्या करूं, चल रहे चोटी के जरा बरे आइए। और छठी जो थी ना, छठी उसने मेरे बुढ़ापे का जायज फायदा उठाकर एक पड़ोसी के साथ, गजब खुदा का, गैर आदमी को घर की बातें बताते शर्म भी नहीं आती। खैराती, अरे ओ खैराती के बच्चे, मैं लखनऊ जा रही हूँ। अच्छा खुदा के, इधर आ गया, स्टेशन जाने के लिए टांगा ले। हाँ, और अगर टांगा ना मिला तो टैक्सी ले। हाँ, हाँ, और अगर टैक्सी भी ना मिली तो डोली ले। ओहो, हाँ बेगम साहिबा, अगर डोली भी ना मिली तो मस्जिद से जनाजा लेता हूँ। हाँ साहब, तो आगे लिखवाइए। अर्ज ये है वकील साहब, वो जो बेचते थे दवाए दिल, वो दुकान अपनी बढ़ा गए, अभी जानिब भी चल दिए हैं। अरे भाई, अरे भाई सुनो तो, वो मुकदमे का क्या होगा? देखिए आप ऐसा कीजिए, मेरे बाप के मुकदमे पर खूब गौर फरमाइए, मैं फिर कभी हाजिर होऊंगा। और हाँ, याद रखिएगा जब मेरे बाप ने शादी की थी उस वक्त मैं 1, 2, 3, 4 साल का था। अबे अबे तेरी और तेरे बाप की ऐसी की तैसी, यू आर वेस्टेड माय टाइम। अबे तू मेरा किंग के चल निकल, अबे ये क्या, अबे तू तो खुद बता, कभी ऐसी ये कहता था। अबे खराती, अबे तू सिर निपट खराती, चल जल्दी चल ना, चल चल आ गया। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये तो कोई गुंडा था ससुरा। तो वाह तो वाह तो वाह, सुन ले तू मेरी दिल से जा, सुन ले खुदा मेरी दुआ, सुन ले तू मेरी दिल से जा, सुन ले खुदा मेरी दुआ, लंबा सफर है जिंदगी, हम दो को बनाते गुलसिता, हमको तू कर दे एक जान, घर को बनाते गुलसिता, तुझको नबी का वास्ता, तुझको नबी का वास्ता, सुन ले खुदा सुन ले खुदा मेरी दुआ।
झूले खुशी के झूले हम। परवीन, जिस घर में खुशी और मसरत एक पाक और मासूम बीवी का लिबास पहनकर दाखिल है, वो घर बजाते खुद खुशी का एक झूला बन जाता है। कनीज इस कदरदानी का शुक्रिया अदा करती है। आइए तशरीफ रखिए, नाश्ता आ रहा है। अरे शौकत भैया, आखिर तुम परवीन के गम में कब तक मुब्तला रहोगे? हैं? अब तो उसकी शादी होकर भी 2 महीने हो गए। और मेरे ख्याल में तो परवीन अफजल के लिए बड़ी अच्छी बीवी साबित हुई है। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि आधी आधी रात तक घर से बाहर रहने वाले अफजल भैया ने आज 2 महीनों से बाजार की सूरत तक नहीं देखी। शुक्रिया। बिस्मिल्लाह कीजिए। आज तो मैं अकेले नहीं खाऊंगा, हर रोज मिन्नत करता हूँ लेकिन आप मानती ही नहीं। शायद आपको मालूम नहीं कि खामद के पास बैठकर उसे खाना खिलाने में औरत कितनी खुशी महसूस करती है। आप मेरी इस खुशी को न छीनिए। चलिए बिस्मिल्लाह कीजिए। और हाँ, मैं ये अर्ज करना तो भूल ही गई कि दिन रात घर में पड़े रहने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है। आपको सैर तफरी के लिए जरूर जाना चाहिए। जब खुदा ने हर तफरी और दिलचस्पी का सामान घर में मुहैया कर रखा हो तो बाहर जाने की क्या जरूरत है। देखिए ना कितनी सुहानी सुबह है, इस वक्त रावी के किनारे पर कितनी रौनक होती है। वादा कीजिए कि आज आप जरूर जाएंगे। वादा कीजिए। सरे तस्लीम खम है जो मिजाज यार में आए। खेलेंगे। अरे भाई तुम्हारा घोड़ा तो कभी आता नहीं, मानो मेरा घोड़ा खेलो यार। मैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई। आज अलग सुबह रावी के किनारे सैरो तफरी के लिए निकला था, लौटते हुए तुम्हारे मकान पर गया तो खैरू से मालूम हुआ कि तुम सब लोग हजूरी बाग की हवा खाने गए। हवा नहीं खाने आए मियाँ, देखते नहीं हो हमारे दिमाग इस वक्त रेस के घोड़ों पर सवार है। ओहो तो आज रेस है। बहुत बड़ी रेस है दोस्त, गवर्नर कप है और घोड़े भी इतने फेवरेट हैं कि लुत्फ आ जाएगा। और इस तरह अफजल ने घुड़दौड़ के मैदान में कदम रखकर अपनी जिंदगी की किताब का एक दूसरा वक्त उल्टा। वो नहीं जानता था कि आज उसने तबाही और बर्बादी की तरफ पहला कदम उठाया है। उसने आंखें बंद करके इस तबाही के रास्ते पर जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया और रेस खेलने का शौक इस कदर बढ़ गया कि उसने लाहौर के अलावा दूसरे शहरों में जाकर भी अपनी किस्मत आजमाना शुरू कर दिया। अफजल की आंखें खोलकर उसे सीधी राह पर लाने के लिए कुदरत ने उसे एक चांद जैसी बेटी अता फरमाई। मगर अफसोस कि अफजल के पास इतना भी वक्त न था कि वो इस खुशखबरी को सुनने के लिए घर पर मौजूद रह सकता। वो कहाँ था? तबाही और बर्बादी की गोद में हरा हुआ जुआरी भंवर में फंसी हुई कश्ती की तरह बच निकलने के लिए हाथ पांव मार रहा था। उन्हीं मनहूस दिनों में परवीन पर एक और बिजली टूटी। उसकी खाला का सरजमीन अरब में इंतकाल हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मगर अफजल खुशी और गम के तमाम वाकयात से बेपरवाह दिन रात जुए में दौलत तबाह किए जा रहा था। वो इससे बिल्कुल बेखबर था कि तबाही और बर्बादी का हौलनाक तूफान उसकी तरफ उमड़ा चला आ रहा है। एक साल तक इस मासूम बच्ची का सर बाप के मोहब्बत भरे हाथों को तरसता रहा और बदनसीब बाप को इतनी फुर्सत ही न थी कि वो जुए के अलावा किसी और चीज की तरफ तवज्जो दे सके। अफजल ने मुंह मोड़कर चल देने वाली दौलत का दामन पकड़ने की लाख कोशिश की मगर बात बिगड़ी थी कुछ ऐसी कि बनाई न गई। 5 साल बीत गए, मासूम बच्ची आहिस्ता आहिस्ता अपने बाप से बेनियाज हो गई। मगर परवीन, काश कोई उसके दिल में झांक कर देख सकता। अफजल ने अपनी बर्बादी के गम पर शराब का पर्दा डालना चाहा मगर गम की तस्वीर चेहरे के आईने में से झांक रही थी। अब अफजल तबाही के तूफान में घिर चुका था। घर का कीमती सामान भी जुए की भेंट चढ़ने लगा। बदनसीबी अफजल को आखिरी ठोकर मारने का इंतजार कर रही थी। अपनी जायदाद और मरहूम वालिदैन की तरफ से मिली हुई परवीन की तमाम जायदाद भी अफजल जुए में हार चुका था। सिर्फ वह हवेली बाकी थी जिसमें खुद रहता था। आज उसे भी शौकत के हाथ बेचकर अफजल ने सोई हुई किस्मत को झंझोड़कर जगाने की आखिरी कोशिश की। मगर अफसोस, बिकी हुई हवेली की दीवारें अपने खौफनाक मुस्तकबिल का तसव्वुर करके कांप उठी।
और अफजल ने शर्म और नदामत की वजह से दुनिया से मुंह छुपाकर दिन रात शराबखाने में रहना शुरू कर दिया। दोस्तों, आज का दिन हम सबके लिए हद से ज्यादा खुशी का दिन है। हमारे दोस्त मिस्टर मुनीर ने दिन रात की अंथक मेहनत के बाद LLB की डिग्री शानदार कामयाबी से हासिल की है। मैं तमाम हाजरीन मजलिस की तरफ से मिस्टर मुनीर को उनकी कामयाबी पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। मानता हूँ सुलेमान, कता कलाम माफ, अगर मैं तमाम दोस्तों की तरफ से पुलाव और जरदा चखे बगैर पेशगी में शुक्रिया अदा कर दूं तो कोई मुदायका नहीं। क्या ख्याल है जनाब का? बिस्मिल्लाह कीजिए। अरे वही जरा ठहरो, वो अफजल कहाँ है? क्या तुमने उसे दावत नहीं दी थी? दावत तो दी थी, मगर वो अपने घर 4-5 रोज से नहीं जाता, तो दावत में क्या आता। क्या बात है, घर क्यों नहीं जाता? ये हवेली और इसका तमाम सामान बिक चुका, अब तुम ही बताओ बेटी वो घर किस मुंह से आए। मैं हैरान हूँ तहसीन, वो ये क्यों भूल गए कि परवीन सिर्फ उनके सुख ही के साथी नहीं, उनके दुख दर्द में बराबर की शरीक है। वो ये क्यों भूल गए कि मैं उनकी शरीक हयात हूँ। मुझे उनके पास ले चलो, उन्हें मैं घर लेकर आऊंगी। नहीं नहीं शौकत, मैं अफजल के बगैर दुनिया की किसी खुशी में हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। अरे भाई वो नहीं आएगा। वो मेरा कहना जरूर मानेगा, मैं उसे लेकर आता हूँ। अच्छी बात है, तुम्हारी मर्जी। मानता हूँ सुलेमान, कसम खुदा की। अच्छा भाई, इतना तो करना किसी मस्जिद से मौलवी साहब को भेज देना, ताकि तुम्हारे आने तक हम लोग खाने पर फातिहा पढ़ाते रहें। अच्छा भाई, आप लोग खाना शुरू करें, मैं अभी उसे लेकर आता हूँ। शुक्रिया। आका, तहसीन, तुम भी बदनसीबी की तरह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गए। क्या मुझ पर बुरा वक्त आते ही तुम्हारे कानों ने भी मेरा हुक्म सुनने से इनकार कर दिया? कई बार कह चुका हूं कि मैं हारी हुई दौलत और जायदाद वापस लिए बगैर घर में कदम नहीं रखूंगा, फिर तुम बार बार आकर मुझे परेशान क्यों करते हो? ये कौन है? परवीन सुरताज, तुम और यहां? ठीक है, अफजल अब कंगाल हो चुका और कंगाल शौहर की बीवी के पांव से डर और खौफ की बेड़ियां कट ही जाया करती। आज तुम्हें इस गंदी जगह पर आने की हिम्मत हुई और कल को शायद इससे भी जलील जगह पर जाने में शर्म महसूस न करोगी। आका, इस पाक दामन के जज्बात की कद्र करने की बजाय आप इसके जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। मैं नहीं, ये मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने आई है। अपने मुफलिस और कंगाल शोहर का मजाक उड़ाने आई है। चली जाओ यहां से। तहसीन, इसे घर ले जाओ। सरताज, खुदा के लिए मुझ पर तसीब का ना सही, उस मासूम बच्ची ही का ख्याल कीजिए जिसके नाजुक होंठ दिन रात पापा पुकार कर थक गए हैं। घर चलिए मेरे सरताज। अब मेरा कोई घर नहीं, जहां मेरा गम गलत होता है वही मेरा घर है, शराब मेरे जख्मों का मरहम है। अब मुझे गम गलत करने के लिए शराब चाहिए, शराब। हट जाओ सरताज। ओए आका, ठहरिए बहन, मैंने आप लोगों की थोड़ी सी बातचीत सुनी। अफजल चूंकि नशे की हालत में था, इसलिए मैंने उसे रोकना मुनासिब नहीं समझा। उसकी मौजूदा हालत नहायत ही काबिले अफसोस है, यहाँ ज्यादा देर ठहरना मुनासिब नहीं। चलिए घर चलकर इस मामले पर गौर करते हैं। हाँ ठीक है, चलो बेटी। आइए बहन, आइए। Thank you.
ये कहते हुए मुझे बहुत दुख होता है बहन कि आप जैसी फरिश्ता सीरत औरत को कुदरत ने अफजल जैसा बेरहम और संगदिल शोहर देकर बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। भाई साहब, मैं उनके लिए किसी के मुंह से बुराई का एक लफ्ज़ सुनना भी गवारा नहीं कर सकती। वो दुनिया के लिए बुरे हों तो हों, लेकिन मेरे सर के ताज हैं। ताज्जुब है कि आज इस हालत को पहुंचकर और इस बुरी तरह धत्कारे जाने के बाद भी आप उसी का कलमा पढ़ रही हैं। हर हालत में खावंद का कलमा पढ़ना यही औरत का ईमान है। तुम ये टका सा जवाब देकर मुनीर की उम्मीदों का खून कर रही हो परवीन। खड़े क्यों हो गए दोस्त, बैठ जाओ। अगर मेरा आना तुम्हारी हसरतों के दम तोड़ने का बाइस हुआ है तो मैं वापस जाने के लिए तैयार हूँ। ये आप क्या कह रहे हैं सरताज? अफजल, अफसोस है कि तुम मुझे समझने में गलती कर रहे हो। मैं जनाब को बड़ी अच्छी तरह समझता हूँ। वही तो है ना आप, जो वकालत के इम्तिहान की मजबूरी से परवीन को हासिल न कर सके। भाई मुनीर तो मुझसे हमदर्दी का इजहार कर रहे थे सरताज। हमदर्दी? और एक मुसीबत ज़दा की बीवी से? क्या मैं बेवकूफ हूँ, इस हमदर्दी के पर्दे में छुपे हुए नापाक इरादे को नहीं पहचान सकता? यकीन कीजिए आका, इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जिससे। चुप रहे, क्यों बे मुनीर के बच्चे? मेरे सरताज। खामोश, बकवास बंद कर। क्यों बे? मुझे मजबूरी की जंजीरों में जकड़ा हुआ पाकर अपनी मोहब्बत की चिंगारी को हवा देने के लिए तू इसे मेरी तरफ से बहकाने आया था? होश में अफजल, मुझे ये मालूम नहीं था कि तुम दौलत के साथ अपनी अक्ल से भी हाथ धो चुके हो, वरना कभी तुम्हारे मकान में कदम न रखता। और अब कदम रखा है तो इसका मजा भी चक्कर यहाँ से जाना होगा। आप किस अनहोनी बात के पीछे पड़ गए हैं सरताज? क्यों, अपने चाहने वाले के लिए तेरे कलेजे में भी दर्द उठा? मैं इसकी गर्दन में दांत गाड़कर इसका सारा खून पी जाऊंगा, और अगर तू मेरे रास्ते में आई तो इसके साथ तेरा भी, तू नहीं तेरी लाश यहाँ ले जाएगी। आपको अपनी बहन के सुहाग की कसम यहाँ से चले जाइए। उन्होंने जो आपकी बेइज्जती की है, मैं उसकी माफी मांगती हूँ, मैं हाथ जोड़ती हूँ। मैं दरवाजा खोलता हूँ। अच्छा, जाने दो। क्या कर रहे हो? वाह भाई मुनीर, खूब इंतजार करवाया, बड़े परेशान हो। क्या बात है? खुदा की मेहरबानी है कि मैं इस वक्त तुम्हारे सामने जिंदा और सलामत मौजूद हूँ, वरना अफजल ने तो मुझे जान से मार डालने की ठान ली थी। क्या कहा, मार डालने की ठान ली थी? हाँ, वो क्यों? मैं अफजल के मकान पर परवीन और बानों को तसल्ली देने गया था कि अफजल वहाँ आ पहुँचा। नशे की हालत में महज एक बेबुनियाद शक की बिना पर मुझसे झगड़ पड़ा। अगर मैं वहाँ से भागना आता तो हम दोनों में से एक जरूर मारा जाता। मानता हूँ सुलेमान, अफजल का तुम पर शक करना ये कुदरती बात। इसलिए कि किसी जमाने में तुम भी तो परवीन के तीर नजर के शिकार थे। ठीक है, लेकिन शादी के बाद से मैं उसे अपनी बहन समझता हूँ। अरे छोड़ो ना यार। बदनामी से बचने के लिए अपनी चहेती को बहन कहना, ये तो आजकल का फैशन है। शौकत, जबान संभाल कर बात करो। मुझे अफसोस है कि इस वक्त तुम मेरे मेहमान हो, वरना वरना क्या होता? वरना साफ कह देता कि निकल जाओ बाहर मेरे मकान से। मुनीर, तुम एक शरीफ आदमी की बेइज्जती कर रहे हो। मैं उस शरीफ आदमी को जो दूसरों की बहू बेटी की इज्जत नहीं करता, दुनिया का सबसे बड़ा पाजी समझता हूँ। और मैं उस आदमी को जो अपनी चहेती को उसके खामिन की अदम मौजूदगी में छुप छुप कर मिलने जाता हो, दुनिया का सबसे कमीन आदमी समझता हूँ। तुमसे ज्यादा कमीन और कौन होगा? खामोश, छोकर। अरे शौकत,
ये तुमने क्या किया? पागल, जरा सी बात पर खून कर डाला? शौकत, तुम खुद भी डूबे और साथ ही हम लोगों का भी बेड़ा गर्क कर दिया। ले जाओ तांगा। मुनीर, ओ मुनीर बच्चे, नीचे आ। नहीं आता? खैर, मैं आता हूं। अफजल आ रहा है। हाँ, अफजल आ गया। अब क्या होगा? क्या होगा? हाँ, क्या होगा? ठीक है, चला वापस। कहा है मुनीर का बच्चा? मैं आज उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ए मुनीर, मत है तो सामने आ। जी हाँ जी हाँ, और मुनीर का कातिल भी उसी मकान में मौजूद है। मगर आप जानते हैं कातिल कौन है? क्या नाम बताया? अफजल। अच्छा अच्छा, नवाब महमूद का लड़का। जी हाँ, जल्दी तशरीफ लाइए वरना कातिल फरार हो जाएगा। बहुत अच्छा। तरह मालूम है कि यही मुनीर का मकान है? जी हाँ। वो अभी तक नहीं आए तहसीन, मेरे दिल में बुरे बुरे ख्याल पैदा हो रहे हैं। अब क्या होगा तहसीन? वो आ गए तहसीन? इतनी देर तक कहां थे सरताज? हम सब परेशान हो रहे थे। मुझसे दूर रहो परवीन, अपने मुकद्दस हाथों से मेरे नापाक जिस्म को न छुओ। इन मोहब्बत भरी आंखों को मेरी तरफ से फेर लो। ये जलील अफजल इन्हें हमेशा आंसुओं से भरे रहने के सामान कर चुका है। मैं खूनी हूं, मैं खूनी हूं परवीन। मैंने मुनीर को जान से मार डाला। या खुदा, वो कैसे? मैं उसके घर में जरूर दाखिल हुआ, मगर मैंने कब और क्यों कर उसे मारा ये मुझे कुछ याद नहीं आता। चलो कोतवाली, चलो। आका, खुदा जाने किस्मत आपको कहां कहां की ठोकरें खिलाए। आपके पास ठोकरों को बर्दाश्त करने के लिए कुछ रकम होना जरूरी है। तहसीन, ये घर और इसकी एक एक ईंट बिक चुकी है। अब इस घर में जिसकी दीवारें हसरत के आंसू बहा रही है, बाकी क्या बचा है जो साथ ले जाऊं? आका, जिसका दुनिया में कोई ना हो वो जवानी ही मैं बुढ़ापे की कमजोरी और नातवानी के लिए सहारे का इंतजाम कर लेता है। ये थोड़ी सी रकम
मैंने बुढ़ापे का सहारा समझकर जमा की थी, इसे आपको भूल फरमाइए। नहीं नहीं तहसीन, मैं तुम्हारे बुढ़ापे का सहारा नहीं छीन सकता। हुजूर, ये रत्न तो आप ही की बख्शी हुई है, ये तो वही टुकड़े हैं जो मैंने आपके दस्तरखान से चुने हैं। लीजिए लीजिए मेरे आका, इसे ले लीजिए। मेरे अच्छे तहसीन, नौकर होकर बाप जैसा हमदर्द और जान कुर्बान कर देने वाला दिल अगर खुदा ने किसी को दिया है तो वो फरिश्ते तुम हो। अच्छा परवीन, खुदा हाफिज। अब्बा जान, आप कहाँ जा रहे हैं? मेरी बच्ची। दादा खोलो। पुलिस। मेरे आका, आप यहाँ से जल्दी चले जाएं। मेरे सरताज। बेटी, तू भी अंदर चले जाओ। क्यों थानेदार साहब, क्या बात है, बतलाइए तो सही। अफजल कहाँ है? वो तो दावत में गए हैं, क्या बात है? खून किया है? खून? नहीं नहीं नहीं, अफजल भी आप खून नहीं कर सकते। थानेदार साहब, आपको किसी ने गलत खबर दी है, वो तो शाम से दावत में गए हुए हैं। अच्छा, अभी मालूम हो जाएगा। देखो जाओ तलाश करो। चलो। या खुदा, तू ही मददगार है। बेटी बेटी, मेरे आका ने खून नहीं किया है, ये देखो उनके पिस्तौल में से एक गोली भी नहीं चली। वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। खाने को दो, और देखो अगले स्टेशन पर तुम अपने कंपार्टमेंट में चले जाना। बहुत अच्छा हुजूर। जी जनाब, कहाँ तशरीफ लिए जा रहे हैं? ये मैं खुद भी नहीं जानता, और माफ कीजिएगा, मैं इस वक्त सख्त परेशानी की हालत में हूँ, मुझसे और ज्यादा कुछ ना पूछिएगा। अल्लाह अपना करम करे। लीजिए हुजूर। लो भाई, ये तुम खा लेना।
کیجئے گا مجھ کو مجبوراً آپ کو مخاطب کرنا پڑا کیونکہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ کھانے کے پیشتر وہ دوسرے کی صلاح ضرور کر لے شکریہ نہیں نہیں لیجیے یہ سیب بہت اچھا ہے نوش فرمائیے معاف کیجئے گا کہیں آپ نے میری بات کا برا تو نہیں مانا نہیں نہیں بالکل نہیں دراصل بات یہ ہے کہ مجھ پر اچانک کچھ ایسے مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا ہے کہ میرا دل دماغ اور زبان کچھ بھی میرے قابو میں نہیں رہا برخوردار مصیبت اور تکلیف کے وقت ہمیشہ صبر سے کام لینا چاہیے کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے مگر میں تو یہ کہوں گا کہ وہ مصیبت زدوں کو اور زیادہ تڑپا کر تماشا دیکھتا ہے نعوذ باللہ من ذلک نہ بیٹا یہ کفر کا کلمہ ہے آئندہ یہ کلمہ منہ سے نہ نکالنا ہاں یہ تو بتاؤ جب کہاں جانے کا ارادہ ارادہ وہ کرتا ہے جس کی کوئی منزل ہے یہاں تو پیٹ کی آگ بجھانے کا سوال ہے اگر تم روزگار کی فکر میں گھر سے نکلے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں میں ایک بیپاری ہوں مجھ کو حاجی عبدالحلیم کہتے ہیں رہنے والا تو میں لکھنؤ کا ہوں مگر میرا کاروبار بمبئی میں ہے میں قالین کی تجارت کرتا ہوں خدا کے فضل و کرم سے میرے یہاں بہت سے آدمی کام کرتے ہیں تم بھی اپنی مرضی کے مطابق کوئی کام سنبھال لینا کیا خیال ہے کیا سوچ رہے ہو بیٹا گزرے ہوئے دنوں کو بھول جاؤ اور خدا کی آنے والی رحمت کے منتظر رہو کہو تحسین کیا خبر لائے ہو خدا کے فضل و کرم سے ابھی تک تو ان کی گرفتاری کی کوئی خبر نہیں ملی میرا خیال ہے بیٹی کہ اس پروردگار کی مہربانی سے وہ بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئے خدا تمہاری زبان مبارک کرے تحسین پروردگار تو عالم الغائب ہے تو اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ بے گناہ ہے انہیں اپنی رحمت سے بچا لے حاجی صاحب ذرا کھڑکی بند کر رہا ہوں نہیں بیٹے ہوا رک جائے گی بہت اچھا لاکھ لاکھ شکر کہ اس کی رحمت نے مجھے بالکل بچا لیا اور خدا کی شانتی دیکھو کہ میری جان لیتے لیتے وہ بیچارہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا بیٹا میں تمہارا بہت احسان مند ہوں کہ تم نے عین وقت پر پہنچ کر میری جان بچا لی خدا مجھے تمہارے اس احسان کا بدلہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کیسے یاد فرمایا ہاں انسپیکٹر ابھی ٹیلی فون پر ہمیں اطلاع ملی ہے کہ افضل نامی ایک آدمی
आगरा और मथुरा के दरमियान एक रेलगाड़ी के नीचे आकर कुचला गया है। तो वो यकीनन मुनीरा कातिल अफजल होगा, क्योंकि वो रेलवे स्टेशन पर हम लोगों की नजरों से ओझल हो गया था। वो जरूर किसी गाड़ी पर सवार हो गया होगा। ठीक है, हमने लाश को फौरन लाहौर भेज देने का हुक्म दे दिया है। लाश के पहुंचने पर हालात पर रोशनी पड़ सकेगी। कल तुम स्टेशन पहुंचकर लाश को हिफाजत के साथ ले आना। बहुत अच्छा, खुदाए कारसाज का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे बाल बाल बचा लिया, वरना आज इन घर में सफाई मातम बिछी होती। मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि इस नौजवान ने मुझे उस वैदहुल्ला शरीक की इबादत करने के लिए कुछ दिन और जिंदा रहने का मौका दे दिया है। और यूं तो कुल्लू नस्लिन जायकतुल मौत। आ गई हमारी बेटी। अस्सलाम अलैकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम बेटा। यही है वो लड़की जिसका मैंने आपसे गाड़ी में जिक्र किया था। माशाल्लाह से बहुत ज़हीन है। आओ बेटा, जाओ बेटे, हमारे पास आओ। हाँ मंजीत साहब, वो हमारे पासपोर्ट का क्या हुआ? पासपोर्ट बनकर आ गया है, और हुजूर कल ईरान से खत भी आया है। लिखा है कि आपका तमाम सामान तैयार है, तशरीफ लाकर मुलाहजा फरमा लीजिए। बहुत खूब, बहुत खूब। हाँ अफजल मियाँ, मैं इंशाल्लाह चंद रोज में ईरान रवाना होने वाला हूँ। मैं चाहता हूँ कि अपनी रवानगी के पेशतर अपना तमाम कारोबार और लेन देन तुम्हारे सबूत कर लूं। मैं आपकी इस मेहरबानी का सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं हाजी साहब। मेरा नहीं, तुम्हें उस पाक परवरदिगार का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि जिसने इत्तेफाक किया, हमें एक दूसरे से मिला दिया। खुदा से दुआ करो बेटा कि वो अपने हबीब के सदक़े में तुम्हें कामयाब और कामरान करे। आमीन। आओ चलो बेटे, इसे मेरे पास ही रहने दीजिए। अच्छा, क्यों इंस्पेक्टर, इसने लाश को देख लिया? जी हाँ। तहसीन, क्या तुम्हें यकीन है कि वह अफजल ही की लाश है? चेहरा तो बिल्कुल कुचला हुआ है, मगर मेरा अंदाजा है कि वो मेरे आका की लाश है। ऐसे मामलात में अंदाजे से काम नहीं लिया जा सकता। अच्छा, इसे तुम पहचानते हो? या खुदा, ये तो वही मुझ बदनसीब की दी हुई थैली। और ये लिबास उन्हीं का है, मेरे आका, मेरे मालिक। इंस्पेक्टर, अब हमें मुनीर के कातिल अफजल की मौत में कुछ शक शुबा बाकी नहीं रहा। तहसीन, अब तुम जा सकते हो। खुदा के लिए कह भी डालो तहसीन, कह डालो। खुदा, खुदा तुम्हें सुनने और सुनकर बर्दाश्त करने की ताकत दे। तुम्हारी बादशाहत लुट गई, तुम्हारे सर का ताज हमेशा के लिए तुमसे छिन गया। तहसीन। लाहौर 15 जनवरी पुलिस की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि मुनीर का मफरूर कातिल अफजल पंजाब मेल के नीचे आकर हलाक हो गया। अफजल की लाश जो लाहौर पहुंच चुकी है, इस खराब हालत में है कि सूरत तक पहचानी नहीं जाती, मगर उसकी जेब में से जो चीजें बरामद हुई हैं, उन्हें अफजल के नौकर तहसीन ने पहचान लिया है, और अब यकीन कर लिया गया है कि मरने वाला मुनीर का कातिल अफजल ही था। अरे भाई शौकत मियाँ, ये तो बताओ कि परवीन से किराया लेने कब जाऊं? परवीन से किराया वसूल करने की जरूरत नहीं। मानता हूँ सुलेमान, कुदरत ने मुझे परवीन को हासिल करने का बेहतरीन मौका अता किया है। अच्छा, 6 महीने तक परवीन से किराया नहीं मांगूंगा, और इस तरह वो एक अच्छी खासी रकम के बोझ तले दब जाएगी। मगर बेचारी बेवा औरत इतनी बड़ी रकम देगी कैसे है? इसी में तो मेरी कामयाबी का राज छुपा हुआ है पहलवान।
मैनेजर साहब, इंसान की कामयाबी का राज इसी में है कि खुदा पर भरोसा रखकर मेहनत से काम करें। बेशक। अच्छा, वो कल के तीनों पार्सल आपने भिजवा दिए? जी हाँ, माल आज रवाना हो जाएगा। वेरी गुड। और देखिए, खान ब्रदर्स का अमृतसर से टेलीग्राम आया है, उनका भी माल जल्द भिजवा दीजिए। बहुत अच्छा। और हाँ, फाजी साहब को जरूर टेलीग्राम दे दीजिए कि यहाँ ऑर्डर बहुत बुक हो चुके हैं और माल जल्द अज जल्द भेज दे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और इस तरह अफजल कुदरत से मिले हुए मौके से फायदा उठाने के लिए दिन को दिन और रात को रात न समझते हुए हद से ज्यादा मेहनत से काम करता रहा। दिन बीतते गए, यहाँ तक कि अफजल को हाजी साहब का कारोबार संभाले हुए 6 महीने गुजर गए। और इस तरफ परवीन अपनी और मासूम बच्ची की जिंदगी को तबाही की आंधियों से बचाने के लिए दिन रात मेहनत मजदूरी करके पेट पालती रही, मगर मक्कार शौकत के बिछाए हुए जाल से परवीन बच न सकी। मकान के 6 महीने के किराए के सिलसिले में उसे शौकत के दरवाजे पर आना ही पड़ा। सलाम अर्ज करती हूँ बीबी जी। जीती रहो। कहो कैसे आना हुआ? भाई शौकत मकान पर कुटकी लाने की धमकी दे रहे हैं। पेट पर खाना पहले ही मुयसर ना था, अब सर छुपाने का ठिकाना भी छिन रहा। खुदा की दी नेमत को ठुकरा देने का यही अंजाम होता है परवीन। मैं तुम्हें जिस घर की मलिका बनाकर लाना चाहती थी, आज तुम उसी घर में भीख मांगने आई हो। जो तकदीर में लिखा हो वही होता है बीबी जी। ये तकदीर का लिखा नहीं परवीन, बल्कि तकदीर के साथ जंग करने का नतीजा है। लो, वो शौकत आ गया, उसी से बात कर लो। भाई साहब, मैं आपके पास एक इल्तजा लेकर आई कि अपने मरहूम दोस्त की बीवा पर तरस खाए। पैसा हाथ में आते ही आपकी पाई पाई अदा कर दूंगी। इस वक्त मेरे पास आंसुओं के सिवा और कुछ नहीं। कितना खुश नसीब है वो आदमी जिसके पास एक हसीन औरत आंसुओं का तोहफा लेकर आए। परवीन, मैं इतना संगदिल नहीं जितना तुम समझती हो। कहो, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब, मुझे आपके रहमो करम के सिवा और किसी चीज की तमन्ना नहीं। तमन्ना, कितना प्यारा लफ्ज इस्तेमाल किया है तुमने। इस छोटे से एक लफ्ज के अंदर कितनी बड़ी दुनिया छुपी हुई है। परवीन, ऐसी ही एक तमन्ना मेरे दिल में भी बड़ी हिचकियां ले रही है। तू जिंदगी है, मौत है, जीना तेरे बगैर, दोजख से कम नहीं मेरी दुनिया तेरे बगैर। भाई साहब, अपने मरहूम दोस्त की बेवा के साथ ऐसी बातें करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए। परवीन, तुम्हारे पहले इनकार ने आज तुम्हें इस जलील हालत तक पहुंचा दिया, मगर याद रखो कि अब तुम्हारा ये इनकार तुम्हें बर्बादी और तबाही के अंधेरे घार में धकेल देगा, और एक दिन तुम्हें अपनी इज्जत की झोली फैलाकर मेरी मोहब्बत की भीख मांगने के लिए आना ही पड़ेगा। इंशाल्लाह वो दिन आने से पहले परवीन मौत की गोद में सो चुकी होगी। Allah
भी गुलाम अपना, रोना भी गुलाम अपना, हंसना भी गुलाम अपना, रोना भी गुलाम अपना, क्यों मिट ही नहीं जाता इस दुनिया से नाम अपना, क्यों मिट ही नहीं जाता इस दुनिया से नाम अपना। अल्लाह की दुनिया में, अल्लाह की दुनिया में बंदों की खुदाई है, अल्लाह दुहाई है। ये दुनिया गरीबों को बेटी, क्या बात है? खुदा के लिए इन आंसुओं को बहने से रोको, वरना मरहूम आका की रूह तड़प उठेगी। तहसीन, अब मैं इस मकान में नहीं रहूंगी, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। क्यों, क्या बात है? तहसीन, शौकत की नीयत ठीक नहीं, वो मुझे कराए की जंजीरों में जकड़ कर नाजायज फायदा उठाना चाहता है। तुम आज एक छोटा सा मकान ढूंढ लो। बहुत अच्छा। بلغل لاو بکماؤ لہی کشفد جاؤ بجماؤ لہی السلام علیکم وعلیکم السلام آو ہی بیٹھو افضل میاں مجھے بہت افسوس ہے کل رات میں سفر کی تکان کی وجہ سے کچھ زیادہ بات چیت نہ کر سکا آپ کا آرام فرمانا ہی بہتر تھا طبیعت کے خراب ہو جانے کی وجہ سے کچھ ایران میں بھی بدمزگی رہی اس میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی خاص مصلحت ہوگی خیر اس ذکر کو چھوڑو منیجر صاحب سے یہ سن کر مجھے بہت بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے 6 مہینے کے عرصے میں 4 لاکھ کا بزنس کیا میں تمہاری محنت کی داد دیتا ہوں آج ہی میں نے منیجر صاحب کو 2 لاکھ روپیہ تمہارے نام بینک میں جمع کرنے کا حکم دے دیا ہے یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں حاجی صاحب اچھا بیٹا اب ایران جانے کی چل تیاری کرو کیونکہ میری طبیعت خراب ہو جانے کی وجہ سے کوئی کام مرضی کے مطابق نہ ہو سکا ایران جانے سے پہلے مجھے ایک بار لاہور جانے کی اجازت دیں تاکہ بیوی بچوں سے ملاقات ہو جائے تو بڑی مہربانی ہو ضرور ضرور بلکہ میں تو تم سے یہ کہوں گا کہ اگر بیوی بچوں کو بمبئی میں لاکے رکھو تو بہت زیادہ بہتر ہوگا جی یہی میرا بھی خیال تھا تو اس کام میں دیر کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج ہی خدا کا نام لے کر لاہور روانہ ہو جاؤ شکریہ میں کہتی ہوں جلدی کرو جلدی ارے بھائی سن تو لیا نہ پہنچی تو مقدمہ ہاتھ سے جاتا رہے گا بیگ بجنے کو آئے ہیں آپ نے دلہن کی طرح چولا سنگھار کر رہے ہیں کچہری جانا ہے یا سسرال توبہ توبہ کس بدھوں میں یہاں سے پالا پڑا ہے دیکھو بیگم کان کھول کے سن لو میں تم پر قانون ہند کی دفعہ فلاں فلاں کی روح سے حتی کی عزت کا دعویٰ کر سکتا ہوں سمجھ لیں
और मैं तुम पे घर के कानून की दफा 232 की रूह से बीवी का हुक्म न मानने के जुर्म में तलाक ले सकती हूँ, क्या समझे? हाँ भाई, बूढ़े मियाँ को जवान बीवी तलाक की धमकी नहीं देगी सुसरी, तो आखिर अपनी जिद कैसे पूरी करेगी? बस चुप भी रहो, जल्दी तैयार हो। देखो बीवी, तुम तो खामा खा बिगड़ रही हो। अरे भाई, मैं तैयार तो खड़ा हूँ, बस कोट पहनने की देर है कि ये चला और वो चला। ऑल राइट, तो बस तो बाप बुढ़ापे में क्या गलती कर बैठा। हैं, कोई चीज कम मालूम होती है? कुछ पहनना भूल गया गालिबन। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अलियुल अज़ीम, ये सब गड़बड़ हमारी बेगम साहिबा की वजह से है। अबे ओ, तेरा क्या नाम है खलाती? यस सर। आदावरस करती हूँ बीबी जी। आदावरस क्या है? ये कमीज लेकर आई हूँ। कमीज? मियाँ कमीज आ गई। मेरी कमीज आ गई, वेरी गुड वेरी गुड। ओहो, लाहौल बुलाकोत, लानत हो मेरी शक्ल पर। अजी, मुझे क्या मालूम था कि कमीज के साथ आप भी तशरीफ लाई होंगी। लाओ बेगम। बीबी जी, ये तीसरी कमीज है और इससे पहले आपके 6 जंपर भी सी चुके हैं। अगर आज आप पैसे दे दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज तो नहीं है, परसों आके ले जाना। बहुत जरूरत थी बीबी जी, इसलिए मांग रही हूँ। अगर थोड़े दिन पैसे ना मिले तो क्या फाकू मर जाऊंगी? बिल्कुल यही हालत है बीबी जी। रातों को कपड़े सीने के लिए मिट्टी का तेल उधार ले लेकर दिया जलाया है। एक बार कह तो दिया, परसों आके ले जाना। सारी मजदूरी ना सही, थोड़े से पैसे ही दे दीजिए। ओहो, तुमसे कपड़े क्या सिलवाए, फांसी का फंदा लेके सर पर सवार हो गई। लो, एक आना है, ले जाओ। अगर भीख ही मांग कर पेट पालना होता तो आपके दरवाजे पर ना आती। साहब, तस्लीमात फरमाइए। आपने मुझे पहचाना?
ओह तुम वही हो जो अपने बाप की शादी से पहले पैदा हुए। चलो आई से गेट आउट फ्रॉम हियर। मैं कहता हूँ चलो। सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, आप खामखा नाराज ना हुई। मुझे शौकत मियाँ ने भेजा है। ओह शौकत मियाँ ने आपको भेजा है। फरमाइए खुदा ना खाता उन्हें क्या तकलीफ पैदा होगी। आइए आइए तशरीफ लाइए, आइए आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया शुक्रिया। अजी आप तो अपने ही निकले। अर्ज ये है वकील साहब किबला। जी फरमाइए। कि एक किराएदार 6 महीने का किराया मार के अच्छा बगैर इतला दिए वे दूसरे के मकान में रहने चला गया। इट इज वेरी बैड वेरी बैड। शौकत मियाँ ने पूछा है कि उसके लिए कुर्की लाई जाए या पुलिस का वारंट। वो कौन है हुई जी? अजी वो नवाब महमूद की बहू परवीन, आप तो जानते ही होंगे। ओहो अच्छा वो तो मेरे कपड़े सीती है। अच्छा माफ कीजिएगा मैं एक मिनट में हाजिर हुआ। वकील साहब फरमाइए ये किस्सा क्या है? आप अपनी औरत के गुलाम मालूम होते हैं जब टुक टुक हुई तो। मुन्ना मौका कुछ ऐसा ही है। अच्छा तो फिर जाइए मैं आके बताता हूँ। क्या है बेगम? कुर्की नहीं वारंट जारी करने का मशवरा दो, सर से बला चलेगी। कम्बख्त की सिलाई का बिल बहुत बढ़ गया है। ऑलराइट वकील साहब। ये आपकी लड़की है? जी हाँ। लाहौल बिला खुद आपके मुंह में खाक, ये तो मेरी बीवी है बेगम। अच्छा जबी तिगनी का नाच नाचते हो। हाँ हाँ साहब, तो मेरे ख्याल में कुर्की ले जाए तो अच्छा होगा। नहीं 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 माफ करना, वारंट ले जाना ज्यादा बेहतर रहेगा। जी घर में तबीयत तो ठीक है ना? जी हाँ आपकी दुआ से जरा उम्मीदवारी सी है। अच्छा तो फिर मिठाई जरूर खिलाना। हाँ साहब, तो आप तमाम कागजात मुझे दे जाइए, मैं केस को स्टडी करके पुलिस को रिपोर्ट कर दूंगा, और अगर मुनासिब समझूंगा तो पुलिस के साथ मैं खुद भी चलाऊंगा। अच्छी बात। जी हाँ लीजिए। ऑलराइट। अरे हाँ मिर्जा साहब जी, आपने मेरे बाप के मुकदमे के बारे में क्या सोचा? अरे भैया वो मुकदमा तो हमारे मरने के बाद कयामत की अदालत में पेश होगा। अच्छी बात है, तो जल्दी वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। तुम्हारे मुंह में खाक, तुम्हारे मुंह में खाक। गुंडा कहीं का। लीजिए आपके पिछले महीने का किराया। शुक्रिया। अच्छा और देखिए बात यह है कि बंबई के एक सेठ साहब ने ये दोनों मकान खरीद लिए हैं, आइंदा से आप मकान का किराया उन्हें ऊपर जाकर दे दिया कीजिए, समझे? बहुत अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुखार कुछ उतरा? पहले से बहुत कम है। इंशाअल्लाह जल्द अच्छी हो जाएगी, तुम ज्यादा फिक्र ना करो बेटी। मेरी बच्ची। अब्बा की गिर गए, वो अभी मुझे प्यार कर रही। मेरी बच्ची। ख्वाब देखा है बच्ची ने? तुम्हारे अब्बा 2-4 दिन में आ जाएंगे बेटी। इधर बच्ची की तबीयत ठीक नहीं, उधर किराया भी देना जरूरी था। खैर एक तैयार है, पैसे मिलते ही फौरन किसी हकीम को बुला लाऊंगा। अब्बा अल्लाह ने हमें पैसे क्यों नहीं देते? जरूर देंगे बेटी, उस बेनियाज के देने के ढंग बहुत निराले हैं। अच्छा बेटी मैं चिट लेकर जाता हूँ। हाँ ये साथ वाले चौधरी साहब के यहाँ से सिलाई के पैसे मिले? अभी तो नहीं मिले, भानु सो जाए तो जाकर मांगती हूँ। बड़े बेदर्द लोग हैं, किसी की गरीबी का भी ख्याल नहीं करते। चलो बेटा सो जाओ। बड़े मियाँ मुझे आपसे कुछ कहना है, थोड़ा ऊपर तशरीफ ले चलिए। जी हाँ मुझे मालूम हो गया है कि आपने ये मकान खरीद लिया है, आपको हर महीने किराया पहुंच जाना करेगा। ये बात नहीं, मुझे आपसे जरूरी काम है। मुझे भी एक जरूरी काम से जाना है, जो कुछ कहना है जल्दी कह डालिए। ऊपर तशरीफ ले चलिए, ऊपर चलिए साहब। ये लड़की तुम्हारी बेटी है?
जी हाँ, मुझे तुम लोगों की हालत पर बड़ा रहम आता है। तुम्हारी लड़की की शादी हो गई? जी। इसका शोहर काम? जी। इसका शोहर काम वाम नहीं करता? बेचारी बेवा है। अच्छा, तो ये बात है। औरत की जवानी बताते खुद एक मुसीबत है, उस पर बेवा हो जाना तो और भी कयामत का बायस होता है। अगर तुम चाहो तो मैं इसकी हर तरह मदद कर सकता हूँ, जितना रुपया कहो देने को तैयार हूँ। आपकी दौलत उस नेक औरत को जिस नजर से देख रही है, मैं उसे अच्छी तरह पहचानता हूँ। माफ कीजिए, आपकी दौलत मकान खरीद सकती है, मकान के रहने वालों को नहीं। ओ, तुम मुझ पर फिजूल शक कर रहे हो बड़े मियाँ। यकीन करो, मैं तो एक शरीफ आदमी हूँ। शराफत इंसान की पेशानी पर नहीं लिखी होती साहब, आप किसे बेवकूफ बना रहे हैं? सदा फ्रीन है तहसीन, तहसीन। तुमने अपने अफजल को नहीं पहचाना आका? तहसीन आप। तुम मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है आका? मुझे संभालिए आका, मुझे संभालिए। मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूं, कहीं मैं नींद में तो नहीं हूं आका? मैं तो तहसीन, क्या आपके दुश्मनों के मरने की खबर गलत थी? तहसीन, खूनी अफजल कानून की आंखों से छिप छिपा कर अपने प्यारों से मिलने के लिए अब तक जिंदा है। मगर आका, लाश तो मैंने अपनी आंखों से देखी थी और कोर्ट में से तो आपकी तमाम चीजें भी बरामद हुई थी। तहसीन, सिर्फ वो चीजें और लिबास ही मेरा था, बाकी रहा वो मरने वाला तो उसके मुतालिक इत्मीनान से बैठकर सब सुनाऊंगा। आका, आप खूनी नहीं है, आपने मुनीर का खून नहीं किया। वो कैसे? आपके चले जाने के बाद जब मैंने आपका पिस्तौल खोलकर देखा तो उसमें से एक गोली भी नहीं चली थी। तो फिर मुनीर का खून किसने किया? खोज लगाने से मुझे इतना ही मालूम हो सका कि उस रोज मुनीर मियां ने दोस्तों को दावत दी हुई थी। आपके एक दोस्त से यह भी मालूम हुआ कि मुनीर मियां तो हमारे यहाँ आ गए थे, और शौकत, नब्बू और पहलवान के सिवा तमाम मेहमान मुनीर मियां का इंतजार करके चले गए थे। हो सकता है कि इन तीनों में से किसी ने उसका खून किया। तहसीन, तुमने ये खबर सुनाकर आज मुझे दोबारा जिंदगी दी। मैं भेस बदल कर मुनीर के कातिल का पता लगाऊंगा, मगर देखो किसी को कानो कान खबर ना हो कि मैं जिंदा हूं, यहां तक कि परवीन को भी इस बात का पता ना चले। आप इत्मीनान रखिए आका। कोई घर में है? कौन? सरकारी आदमी आया है, जरा पर्दा कर लीजिए। सरकारी आदमी, अंदर आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। बात यह है कि शौकत साहब ने आपके नाम का वारंट निकलवाया है। वारंट किस लिए? 6 महीने का किराया मारकर भाग जाने के जुर्म में। कोतवाली चलने के लिए जल्दी तैयार हो जाइए, और हाँ, जमानत के लिए 200 रुपए ले लीजिएगा, वरना जेल खाने की हवा खानी पड़ेगी। ये भाई साहब हैं साथ में। 200 रुपए? या अल्लाह, ये बिजली कहाँ से टूट पड़ी? अरे वारे मेरे फरिश्ते, क्या बात है? बात ये है कि पैसे ढीले करो, शौकत मियां ने वारंट निकलवाया है। तहसीन, जरा अंदर आओ। ठहरो, मैं अभी आया। राधे, बड़ा करता है। अब क्या होगा तहसीन? बेटी, आंसू बहुत डालो, रोने के दिन गए। लो बेटा, लो खेलो, खूब खेलो। तहसीन, ये सब कहाँ से लाए हो, किसने दिए हैं? ये सब मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं उनसे निपट लूं। कहिए जनाब, बंदा आपकी क्या खिदमत कर सकता है? बातों में वक्त जाया ना करो, पैसे अदा करते हो तो करो, वरना मेरे साथ कोतवाली चलो। माफ कीजिए जनाब, शरीफ घराने की बीवियां कहीं कोतवाली जाती है? और कहीं शरीफ घराने की बीवियां दूसरे के मकान का किराया मारकर भाग जाती हैं? ठहरिए, आप ही इंसाफ कीजिए जनाब। जिस औरत के नौकर की जेब में हजारों रुपयों की नोटें पड़ी रहती हों, वो भला किसी का किराया मारकर भाग सकती है? सच तो यह है कि हमसे आज तक किसी ने किराया मांगा ही नहीं। मानता हूँ सुलेमान, कसम खुदा की ये सोने का अंडा देने वाली मुर्गी कहाँ से हाथ लग गई, हमें भी बताओ दाना डाले।
अरे जनाब, जब खुदा देने पर आता है तो चप्पर पहाड़ कर देता है। अरे वारे मेरे फरिश्ते। फरमाइए जनाब, आपके कितने रुपए हैं? 500 रुपये। 500 बस? 1, 2, 3, 4, 5 लीजिए। किधर भी बड़ा कपड़ा लीजिए, रसीद। शुक्रिया। अच्छा सलामुअलैकुम। तो अब्बा जान, वो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी का कुछ पता नहीं? अब्बा चल जाएंगे। बुरा ना मानना शौकत मियां, समझ में नहीं आता कि परवीन में ऐसे क्या चार चांद लगे हैं जो बार बार मुंह की खाने पर भी उसका पीछा नहीं छोड़ते। तुम नहीं जानते, उसने आज मेरी उम्मीदों पर पानी फेर कर मेरे शौक की आग को और भी भड़का दिया। अब मैंने उसे जबरदस्ती हासिल करने का फैसला कर लिया है। भाई तुम जानो और तुम्हारा काम, बंदा इस काम के खिलाफ है। तो तुम मेरा साथ देने के लिए तैयार नहीं? यार साथ देने की भी कोई हद होती है? तुमने मुनीर का खून किया, क्या हम लोगों ने ये राज नहीं छिपाया? भाई मैं दुनिया भर का गुनहगार जरूर हूँ, लेकिन एक औरत की इस्मत पर हमला करने में मदद देना, ये मेरा जमीर गवारा नहीं करता। यही तो तुम्हारी भूल है। मैं तो परवीन को अपनी बीवी बनाना चाहता हूँ। बीवी? उससे बाकायदा निकाह करना चाहता हूँ। निकाह? जब तो भाई ये नेक काम है। अरे भाई निकाह ही करना है तो अपनी वालदा को शादी का पैगाम देकर भेज क्यों नहीं देते? मगर अब तो मेरे भेजे हुए आदमी उसे यहाँ लेकर आते ही होंगे। प्यार और मोहब्बत से समझाऊंगा, अगर न माने तो उसे मेरे खौफनाक गुस्से का मुकाबला करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा नहीं होगा। तहसीन, आका परवीन कहाँ है? शौकत की माँ ने कपड़े सीने बुलवाया है। शौकत की माँ? जब इतना रुपया तुम्हें दिया था तो फिर उसे कपड़े सीने की क्या जरूरत थी? मगर वो कहती है जब तक ससत ना बताओगे कि रुपया किसने दिया, मैं पाय भी खर्च करना हराम समझती हूँ। गजब हो गया तहसीन, दुश्मन अपनी चाल में कामयाब हो गया। चलो आओ मेरे साथ आओ। ये लो तुम्हारा इनाम। बस यही इनाम है साहब? परवीन जैसी शरीफ औरत को धोखा देके यहाँ ले आना कोई मामूली काम नहीं था। अच्छा दोनों बांट लो। वो लड़की कहाँ है? वो रोते रोते सो गई थी, उसे कमरे में लिटा दिया है। अच्छा जब जागे नीचे भेज दो। अच्छा से देखे हुए एक हसीन ख्वाब की ताबीर है परवीन। हुस्न ने रोजे अजल जिस चीज को ठुकरा दिया, मैं वही जिनसे वफा हूं तुमने पहचाना मुझे। एक शरीफ औरत से ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या समझकर मुझे धोखे और मकारी से यहां उठा लाए हो? तुम मुझे समझने में गलती कर रही हो परवीन। खुदा ना खास्ता मेरी नीयत बुरी नहीं, मैं तो तुम्हें अपनी शरीक की जिंदगी बनाने के लिए तुमसे निकाह करना चाहता हूँ। वो औरत जिसकी जिंदगी की तमाम खुशी और मुसर्रत उसके शौहर के साथ दफन हो चुकी हूँ, उसके सामने शादी और निकाह का नाम लेना बेवकूफी नहीं तो और क्या है? लेकिन ये क्यों भूलती हो कि इस्लाम बेवा औरत को दूसरी शादी करने की इजाजत देता है? इस्लाम दूसरी शादी करने की इजाजत जरूर देता है लेकिन मजबूर नहीं करता। परवीन मर जाना कबूल करेगी लेकिन वो हाथ जो अपने मरहूम शहर के हाथ में दे चुकी है किसी गैर के हाथ में हरगिज ना देगी। क्या ये आखिरी जवाब है परवीन? जी हाँ। तुम्हारी इस बेजा जिद का नतीजा अच्छा ना होगा परवीन। याद रखो, इस तहखाने की दीवारें कसम खा चुकी हैं कि मेरी तमन्ना पूरी हुए बगैर तुम्हें अपने शिकंजे से हरगिज निकलने न देंगी। तुम भूलते हो शौकत,
मुझे भरोसा है उस परवरदिगार की जात पर जिसने खैबर के दरवाजे उखाड़ कर रख दिए थे। मुझे यकीन है कि वही परवरदिगार अपने हबीब के सदके में तुम्हारे शिकंजे को तोड़कर मुझे जरूर निजात दिलाएगा। परवीन, तुम मुझे मजबूर कर रही हो कि मैं तुम्हारी आंखों को वो मंजर दिखाऊं जिसे देखकर तुम दीवानों की तरह इस तहखाने की दीवारों से सर टकरा टकरा कर जान दे दोगी। सीधी तरह राजी हो जाओ तो अच्छा है, वरना कोई देर में तुम्हारी बच्ची का कटा हुआ सर तुम्हारे पांव में ठोकरें खा रहा होगा। मेरी बच्ची कहाँ है? कहाँ है मेरी बच्ची? के लिए मुझ दुखिया पर रह कर मेरी जिंदगी का सरमाया यही एक बच्ची है, खुदा के लिए इसे जीने के लिए छोड़ दे। इसकी जिंदगी और मौत का दामन मैंने तुम्हारे हाथ में दे दिया, दोनों में से जो चीज तुम्हें पसंद हो उसे इंतखाब कर लो, मैं तुम्हें सोचने के लिए वक्त देता हूँ। उठो, कम वक्त अफ्यूम खाकर हर वक्त सो जाता है, सोडा लाओ। पहलवान, वो शौकत परवीन को लाने वाला था, क्या हुआ? तो भाई मुझे तो कुछ मालूम नहीं, मेरे ख्याल में नहीं लाएगा। नहीं लाए तो अच्छा है। क्यों परवीन, क्या इंतखाब किया, बच्ची की जिंदगी या मौत? माँ अपनी औलाद के लिए और क्या मांग सकती है, उसकी जिंदगी। शाबाश, मुझे तुमसे इसी जवाब की तवक्को थी। वो ऐशो इशरत जो अफजल की मौत के बाद तुमसे मुंह मोड़कर चल दिए थे, आज मैं उन्हें तुम पर से निछावर कर दूंगा। सोडा लीजिए उस्ताद। मेज पर रख दो। आओ परवीन, मेरी मोहब्बत तुम्हारी तरफ बाएं फैलाए खड़ी है। दूर हटो। तुम ये समझते हो कि मुझे मजबूर और लाचार पाकर तुम अपनी नापाक आरजू को पूरा करने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन याद रखो दुनिया में औरत के लिए सबसे कीमती चीज उसकी इस्मत है, और परवीन अपनी इस्मत के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देगी। परवीन, अगर तू अपनी जिद से बाहर आने के लिए तैयार नहीं तो मैं भी अपनी तमन्ना पूरी करने के लिए संगीन से संगीन कदम उठाने पर मजबूर हूं। अम्मी, भूल जा आप अपनी अम्मी को, इसने तेरे लिए मौत का दरवाजा खोल दिया। परवीन, अब भी वक्त है, जल्दी फैसला कर ले, मेरी मोहब्बत चाहती है या इसकी मौत? जवाब दो। मौत। क्या कहा? हमेशा माँ अपनी औलाद पर जान कुर्बान किया करती है, मगर मैं समझ लूंगी कि आज मेरी बच्ची ने अपनी माँ की इज्जत और इस्मत बचाने के लिए अपनी जान को कुर्बान कर दिया। मरहबा, बहुत अच्छा, तो देख ले अपनी बच्ची की कुर्बानी का तमाशा। चल। तो ये निकाह की तैयारी हो रही थी। नब्बू, छोड़ दो इसे और यहाँ से फौरन चले जाओ। और अगर नहीं गया तो? नहीं तो मुझे जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। जबरदस्ती? तुम मुझे बुजदिल समझते हो? कान खोल कर सुन लो शौकत, जब तक इस मजलूम औरत को तुम्हारे पंजे से छुड़ाकर घर ना पहुँचा दूँ उस वक्त तक हरगिज नहीं जाऊंगा। तुम शेर के मुँह का शिकार छीनना चाहते हो नब्बू, मगर याद रखो इसके लिए तुम्हें अपनी जान को खतरे में डालना होगा। एक मुसीबत ज़दा औरत की मदद करने के लिए अगर मेरी जान भी चली जाए तो कोई परवाह नहीं। इसके लिए तुम्हारे दिल में हमदर्दी पैदा होना मुझे ताज्जुब में डाल रहा है, कहीं मदद करने के बहाने तुम्हें से। खामोश, ये काम तुम जैसे जलील आदमी किया करते हैं। परवीन हमारे दोस्त की बीवी है, सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि तुम्हें भी इसे अपनी बहन समझना चाहिए।
तुम अपनी हसीयत से पढ़कर बातें कर रहे हो नब्बू। मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूं कि मेरे रास्ते में ना आओ, यहां से फौरन चले जाओ। ये रोक किसी और को दिखाना। शौकत, तुम नब्बू को अच्छी तरह जानते हो। चलो बहन। नब्बू, नब्बू। कमीने उस दिल। ये क्या किया शौकत? तुमने अपने दोस्त को जान से मार डाला। ये तो दोस्त था, अगर इसकी जगह मेरा भाई भी होता तो मैं उसे जिंदा ना छोड़ता। आज मेरे रास्ते में जो भी आएगा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अनुष, अगर मुझे मालूम होता कि तुम इस कदर कमीने और जलील आदमी हो तो ये दिन आने से पहले तुम्हें मुनीर का खून करने के जुर्म में फांसी पर लटका दिया होता। मैं अभी जाकर पुलिस को खबर देता हूँ। पहलवान, इस जगह का राज जानने वाला किसी जगह दफन होकर रहेगा। अरे जा जा, ये धमकी किसी और को देना। मान जाओ, तुम मेरे गुस्से को अच्छी तरह जानते हो। मुझसे टकराने की कोशिश न करो। मुनीर मुझसे टकराया, मैंने उसे हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया। नब्बू मेरे रास्ते में दीवार बनकर खड़ा हुआ, मैंने उसे गोलियों से छलनी कर दिया। अगर तुमने बाहर जाने के लिए एक कदम उठाया तो तुम्हारा पेट फाड़ कर सारी इंद्रियां बाहर निकाल दूंगा। मैं गिदड़ भक्तों में आने वाला नहीं शौकत। ये बात है तो फिर मौत से गले मिलने के लिए तैयार हो जाओ। शौकत, गिरफ्तार कर लो इसे। थानेदार साहब, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या बात है? आपने इसके मुंह से सुन लिया ना कि मुनीर का खून इसने किया था? हाँ, मैंने सब सुन लिया। तो फिर अफजल बेगुनाह था ना? हाँ, लेकिन तुम्हें इससे मतलब? अफजल। हाँ अफजल, वही अफजल तुमने जिस पर खून का इल्जाम लगाकर मौत के मुंह में धकेलने की कोशिश की मगर नाकाम रहे। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि ये ट्रेन के हादसे में मरने वाला कौन था। ये एक लंबा किस्सा है थानेदार साहब, कोतवाली चलकर बताऊंगा। तहसीन जाओ, परवीन अंदर है। बिटिया परवीन, बेटी परवीन, दरवाजा खोलो। डरो नहीं मन तहसीन। तहसीन, तुम यहाँ कैसे? ये मैं बाद में बताऊंगा। बेटी, आज हमारी तमाम मुसीबतों का खात्मा हो गया है। अच्छा, तो ये बात थी। अफजल मियाँ, जरा इधर आइए। अफजल? हाँ बेटी, तुम्हारा सुहाग कायम है, वो जिंदा है। वो जिंदा है। तहसीन, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तहसीन आप जाइए, मैं रिपोर्ट लिख लूँ। शुक्रिया। आप अब्बा जान, आप आ गए? हाँ मेरी बच्ची, मेरे मासूम फरिश्ते। या खुदा, ये मैं क्या देख रही हूँ? परवीन, ये उस पाक परवरदिगार की कुदरत का एक अदना सा करिश्मा है। तेरी जात पाक है। Yeah.